बिहार में साधु चरण के शिक्षक भर्ती में इस बार कोई भी पद खाली नहीं रहेगा और सभी की बहाली पूरी होगी। इसी वादे को लेकर शिक्षा विभाग जो है बिहार सरकार का काफी एक्टिव हो गया है और 22 जुलाई से लेकर लगभग 1 अगस्त तक आप सभी अभ्यर्थियों को बिल्कुल तैयार रहना है। किस चीज़ के लिए तैयार रहना है ये इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के अखबारों के बारे में, जहाँ पर प्रकाशित हो चुका है कि सातवें चरण की नियुक्ति को होगा रिक्तियों का आकलन। आप लोग जानते हैं कि जो शिक्षा विभाग है कई बार सभी जिलों से ये लेटर के माध्यम से और कभी कभी वर्चुअल मीटिंग या फिर डायरेक्टली जो प्रधान सचिव है उन्होंने मीटिंग भी ली है कि सभी जिलों को रिक्तियों का जो ब्यौरा है सही तरीके से देना है, लेकिन अभी भी कुछ जिलों से या फिर कहें कि सभी जिलों से सही तरीके से जो रिक्तियाँ हैं वह नहीं भेजी गई हैं। तो इसको लेकर राज्य में सातवें चरण की प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्तियों का सही आकलन करने की तैयारी जो है वह अब चल रही है और इसके लिए राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यहाँ शिक्षा विभाग में 22 जुलाई को संबंधित अभिलेखों के साथ तलब किए गए हैं। तो देखिए सारे ही रिकॉर्ड, सारे ही जो अभिलेख हैं उनके साथ 22 जुलाई को सारे अधिकारियों को तलब किया गया है। रिक्तियों की गणना में एकरूपता एवं शुद्धता के दृष्टिकोण से उस दिन सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों स्थापना यानी DPO स्थापना की कार्यशाला होगी। उसमें जिन अभिलेखों के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को बुलाया गया है उसमें शिक्षा विभाग द्वारा 2006 से समय समय पर पंचायती राज संस्था एवं शहरी निकाय अंतर्गत शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद UDISE एवं RTI एक्ट के तहत शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा। वर्तमान में पंचायती राज संस्था एवं शहरी निकाय अंतर्गत बेसिक ग्रेड के शिक्षक, पंचायती राज संस्था एवं शहरी निकाय अंतर्गत स्नातक ग्रेड के जो भी शिक्षक हैं, जिला संवर्ग के प्रधानाध्यापक हो या फिर स्नातक प्रशिक्षक शिक्षक हो, सभी शिक्षकों की यानी कि इंटर मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों की कितनी संख्या है ये सभी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। तो देखिए अभी जो अभिलेख सारे मंगाए गए हैं उसको जितने भी हमारे एक्ट हैं और जितना भी जो तरीका होता है, जो एक सही प्रोसीजर होता है रिक्तियों की गणना को लेकर, उसके लिए ये जो सारे TDU हैं इनको तलब किया गया है। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश द्वारा पटना, कटिहार एवं मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो इसके लिए देखिए पत्र जो है पहले ही जारी कर दिया गया है और 22 जुलाई को ये सारी जो रिक्तियाँ हैं इनका सही तरीके से आकलन होगा, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि छठे चरण में सही तरीके से रिक्तियाँ आई या नहीं आई, लेकिन आधे से ज़्यादा पद जो है खाली रह गए हैं। दरअसल इसके पहले प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों स्थापना द्वारा रिक्तियां उपलब्ध कराई गई, लेकिन उनकी समीक्षा में पाया गया कि रिक्तियों की गणना में कई बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया है, इससे रिक्तियों का सही आकलन नहीं हो पाया। तो देखिए सही तरीके से रिक्तियाँ नहीं भेजी गई। इस बार वैसे भी 7th फेज का जो मुख्य उद्देश्य है सरकार का वह है स्टूडेंट टीचर जो रेशो है, जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसको ठीक करना, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि बिहार के स्कूल्स में बच्चे जो हैं विद्यार्थी तो हैं बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन टीचर्स की अगर बात करें, शिक्षकों की बात करें, तो 2 या 3 टीचर्स मिलते हैं आपको पूरे स्कूल में, जहाँ पर 500 से 600 बच्चे विद्यार्थी जो हैं पढ़ने जाते हैं। आपको याद दिला दें कि छठे चरण की नियुक्ति में प्रारंभिक शिक्षकों के 90,762 पद थे और ये जो 90,000 पद थे ये कोई छठे चरण के नहीं थे, ये बहुत पुरानी जो सीट्स हैं वैकेंट सीट्स उनको सरकार ढूंढती हुई आ रही थी और इन पदों के विरुद्ध भी तकरीबन 42,000 शिक्षकों की ही बहाली हो पाई और 48,000 पद जो है खाली रह गए हैं। ये 48,000 खाली रह गए पद अब सातवें चरण की बहाली में डेफिनेटली शामिल होने वाले हैं। तो अखबारों ने बिल्कुल सही चीज़ प्रकाशित की है, इस बार कोई भी पद खाली ना हो, सबकी बहाली पूरी हो, यही एजेंडा लेकर सरकार चल रही है। और इसमें जाहिर सी बात है 22 जुलाई को जो है ये DEO DPO सब जो है मीटिंग वगैरह रखी गई है, सभी अभिलेखों के साथ बुलाया गया है। तो इसमें देखिए अब टाइम थोड़ा सा लगने वाला है, अब हम ये नहीं कह सकते कि जुलाई के एंड में आपको अधिसूचना देखने को मिलेगी प्रारंभिक की। तो 22 जुलाई से देखिए आप लोगों को ये तैयारियां स्टार्ट कर देनी है और 1 अगस्त तक आपको तैयार रहना है। किस चीज़ के लिए अगली खबर देखते हैं, वहाँ से ये चीज़ें पता चलेंगी। यहाँ पर प्रकाशित हो गया है कि शेड्यूल जारी नहीं होने पर करेंगे आंदोलन। तो भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ जो है उसने ये कह दिया है कि 31 जुलाई तक यदि सातवां चरण की जो प्राथमिक शिक्षक बहाली का शेड्यूल है उसको जारी नहीं किया गया तो अगस्त के पहले सप्ताह में यानी कि पहले ही अगस्त से आंदोलन की शुरुआत कर दी जाएगी।
शिक्षक संघ ने कहा कि लगातार कई बार शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। तो पहले आप लोग जानते हैं कि प्रारंभिक बहाली को लेकर सीटेट बीटेट अभ्यर्थी जो है पटना में महा आंदोलन पर उतरे थे और उनको ये आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा। लेकिन जुलाई एंड में तो अभी रिक्तियों का आकलन ही करने की बात हो रही है। 22 जुलाई को मीटिंग रखी गई है, उसके बाद निर्देश दिए जाएंगे कि किस प्रकार से ये सारी जो रिक्तियाँ हैं इनका आकलन करना है। तो इसमें देखिए सरकार अब समय लेने वाली है, क्योंकि सरकार को तो समय लेने का एक नया बहाना चाहिए ही होता है। तो इस बार सरकार को रिक्तियों के आकलन का बहाना मिला हुआ है और इसी तरीके से हम देखेंगे कि आगे फिर अगस्त में सरकार चुनाव प्रक्रिया होगी, नगर निकाय चुनाव होने हैं सितंबर में, तो उसको लेकर आचार संहिता लगा देगी, फिर कहेंगे कि नई बहाली हम अभी शुरू नहीं कर सकते इत्यादि। तो इसलिए अभ्यर्थियों को बिल्कुल 22 जुलाई की तारीख पर बिल्कुल नज़र रखनी है। दो दिन बाद जो मीटिंग रखी गई है उसमें पूरा अभ्यर्थियों को भी ये पता होना चाहिए कि कितनी रिक्तियाँ आई, कितना आकलन हुआ, किस जिले से रिक्तियाँ नहीं आई हैं। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको बताया हुआ है कि बहुत सारे स्कूल्स जो आपके आसपास हैं या फिर आपके ज़िले में हैं, आप चाहते हैं वहाँ पर आपकी बहाली हो और आपको पता भी है कि वहाँ पर शिक्षक नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, जो हेडमास्टर हैं, जो HM हैं, उनसे जाकर ये ज़रूर बात करें, उनसे पूछें कि जैसे कि अगर 1-8 का ही स्कूल है तो उसमें 6-8 के कितने शिक्षक हैं। क्योंकि कई बार ऐसे स्कूल्स हमने देखे हैं आसपास भी कि 1-5 के ही टीचर 6-8 में भी हर विषय को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं, या फिर जो प्रधानाध्यापक हैं वह आगे रिक्तियाँ फॉरवर्ड नहीं करते हैं और वह लिखकर भेज देते हैं कि हमारे स्कूल में किसी भी शिक्षक की किसी भी विषय की आवश्यकता नहीं है, पूरी सीट्स है, फुल है सीट्स। तो इस वजह से भी रिक्तियाँ जो हैं आगे कंटिन्यू फॉरवर्ड नहीं हो पाती हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको अपने जो है इंडिविजुअली भी ध्यान रखना है, अपने आसपास जो भी स्कूल्स हैं अपने ज़िले में, इन सारी चीज़ों को आपको आगे प्रधानाध्यापक तक या फिर अगर DEO तक भी पहुँचा सके इस बात को तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अपनी बहाली के लिए अब हम लोगों को खुद ही एक्टिव रहना होगा, क्योंकि सरकार का जो ढुलमुल रवैया है वो तो यही बता रहा है कि सरकार अगस्त के महीने तक बहाली की अधिसूचना को लेकर जाएगी और उसके बाद भी कोई मतलब ये श्योरिटी नहीं है कि किस दिन ये अधिसूचना जारी होगी। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि जो प्रधान शिक्षकों की जो बहाली के लिए जो परीक्षा होनी थी, लगभग 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति को जो परीक्षा 28 जुलाई को होने वाली थी उसको भी स्थगित कर दिया गया है। इससे संबंधित सूचना बिहार लोक सेवा आयोग ने सोमवार को दी है। आयोग ने कहा है कि अपरिहार्य कारण से परीक्षा स्थगित की जाती है, परीक्षा तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। इसके पहले परीक्षा 25 जून को होनी थी, फिर 28 जुलाई की डेट दी गई और अब सितंबर के महीने में ये अनुमान है कि शायद ये परीक्षा जो है अब हो सकती है। तो देखिए ये चीज़ भी सरकार आगे डिले करती जा रही है और सरकार अब चुनाव का बहाना बचा हुआ है, सरकार उसको लेकर बैठी रहेगी कि पंचायती राज जो आयोग है उसने नहीं दी अनुमति या चुनाव आयोग ने मना किया है बहाली के लिए इत्यादि। तो इसलिए 22 जुलाई से 1 अगस्त तक आप लोग बिल्कुल एक्टिव मोड में रहें, सभी अभ्यर्थी बिल्कुल तैयार हमें रहना है बड़े आंदोलन के लिए। अगर 1 अगस्त तक ये अधिसूचना जारी नहीं होती है तो फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में ही एक महा आंदोलन की जो शुरुआत है फिर से की जाएगी, क्योंकि बिना आंदोलन के सरकार कुछ भी कोई भी बहाली बिहार में नहीं करने वाली है। तो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को फिलहाल